वीडियो की शुरुआत में ममता दीदी को सबसे पहले जय श्री राम। बॉलीवुड में तो बहुत कुछ सुना होगा, बट बहुत ही एक फेमस डायलॉग हुआ था, सब पवित्र कर देंगे गंगा जल से। लेकिन इस चुनाव में, जैसा मैंने कहा, ये विधानसभा बंगाल का ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कई ऐसे फिल्मी पंचलाइन मारे जा रहे हैं जो कि सुनकर हास्यपद तो है ही, ये हंसी तो आती है, साथ साथ में थोड़ी सी ममता दीदी के विचार और उनकी विचारधारणा पे ताज्जुब भी होता है। जी हाँ, जहाँ जिस जिले में, हुगली जिले में शाहगंज डनलप मैदान में, जहाँ पे आपको याद होगा दो तीन दिन पहले ही मोदी जी ने, खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया था और परिवर्तन यात्रा को लेकर कई निशाने साधे थे ममता बनर्जी पे। और इतना ही नहीं, परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत में बंगाल के डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात तब हुई जब ठीक इसी जगह पे ममता बनर्जी, जो हमारी अभी बंगाल की मालकिन है, उन्होंने जब इस रैली को संबोधित करने से पहले, उनके नेता और उनके कार्यकर्ताओं ने इस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया। जी हाँ, गंगा जल से पवित्र किया, ये कहकर कि हमारी सीएम के आने से पहले ये जगह पवित्र हो जाना जरूरी है क्योंकि ये अशुद्ध हो गया है। आश्चर्य होता है कि चुनाव में ये सब देखने को भी मिलेगा। लेकिन वहीं पे जहां पे अभी तक मुजरिम चाहे कोई भी हो, स्कैम चाहे जिसने भी किया हो, एक तरफ जहां पे हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री एक टूल किट शेयर करने वाली दिशा रवि को 21 साल करके एक मुजरिम को उसकी उम्र से आंकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी मुजरिम को जेंडर से आंकना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जहाँ पे उनकी बहू, जैसे आपको पता है अभिषेक बनर्जी की वाइफ रुजरा बनर्जी से पूछताछ चल रही है, सीबीआई कंटिन्यू जारी है, अपना काम कर रही है कोल स्कैम को लेकर, लेकिन उसके लिए ममता दीदी ने इन्हें महिला का अपमान करना बताया कि सीबीआई ने जो जांच पड़ताल की है इसमें बीजेपी का हाथ है और ये सीबीआई की जांच पड़ताल मेरी बहू के साथ जो हो रहा है वो एक महिला का अपमान है। किस तरीके से, कैसा कैलकुलेशन है ममता दीदी, ये समझ में नहीं आता। एक तरफ आप अपने ही राज्य में माता सीता का अपमान करती हैं, वो भी तो एक महिला है, उनका अपमान आपको अपमान नहीं लगता, लेकिन वहीं पे कुछ गलत फ्रॉड और स्कैम को लेकर जब आपकी बहू की जांच पड़ताल हो रही है तो वहां पर आपको महिला का अपमान नजर आता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम, हमारी टीएमसी तृणमूल सरकार की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, ने बुधवार को हुगली में कहा कि बंगाल शासन करेगा, मोदी बंगाल पे राज नहीं करेगा, गुंडा बदमाश। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये बोला कि वो एक बाहरी है, एक देश का प्रधानमंत्री जो पूरे देश का नेतृत्व करता है, जो देश के कानून को किसी भी वक्त एक नया कानून लागू करने के लिए सक्षम है, वो बंगाल में बाहरी कैसे हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी और ये पूरा बीजेपी मुझे तोलाबाज कहती है, तो मैं, अगर वो मुझे तोलाबाज कहते हैं तो मैं बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को दंगाबाज और धंधाबाज कहूंगी। ये शब्द सुनकर यकीन नहीं होता कि एक महिला की अपमान की बात करने वाली दूसरी महिला धंधाबाज जैसे शब्द कैसे निकाल सकती है। वहीं पे उन्होंने बताया कि बंगाल का मुख्यमंत्री सिर्फ बंगाल का ही रहेगा, तो ममता दीदी मैं यही तो, और साथ में उन्होंने बताया कि बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का ही रहेगा, गुजरात से कोई नहीं आएगा। अरे दीदी, टेंशन ना लीजिए, बंगाल के मुख्यमंत्री तो बंगाली ही रहेगा, और ये बात तो इंडिया के कॉन्क्लेव में, खुद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अमित शाह जी ने बोल दिया था कि कोई बंगाल का मुख्यमंत्री कोई बंगाली ही रहेगा, और अपने दिलीप दादा भी तो बंगाली ही है, कहां कोई गुजराती आ रहा है, और जिस गुजराती से आप भागने की चेष्टा कर रही हैं वो गुजराती पूरे देश का नेतृत्व करता है। आप बंगाल की बात करती हैं, वो तो पूरे देश का मालिक है, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। शायद आप जनरल नॉलेज थोड़ी कमजोर हो गई है ममता दीदी की, एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री की तुलना कर रही हैं आप। और इतना ही नहीं, गुजराती और बंगाली और बाहरी की बात से इनको जरा याद दिलाना जरूरी है दोस्तों, कि जब
कन्याकुमारी में स्मारक बना, कन्याकुमारी में मूर्ति बना है, लेकिन वो है तो बंगाल के, पर ऐसा क्यों? ये बातें समझ में हमारी ममता दीदी को नहीं आएगा। दिल्ली चलो के नारे लगाने वाले भी बंगाल में ही थे और ये खुद भी एक बार दिल्ली आने की बात करती थी। क्यों? जब स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति जो बंगाल से रहने वाले और मूर्ति उनकी बनती है कन्याकुमारी में, तो आप तो यूं कहते कि बंगाल का था तो बंगाल में रहना चाहिए था। ये बाहरी क्या होता है ममता दीदी, एक देश का प्रधानमंत्री भारत देश में रहकर भी बाहरी हो गया, ये समझना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ने जब परिवर्तन यात्रा को लेकर संबोधित किया था और टीएमसी को लेकर कई सारी बातें भी की, जिसमें ममता दीदी को बुरा लगा और आजकल इन्होंने एक ट्रेंड बना लिया है, ये उन्हीं जिलों में जाकर उन्हीं मैदान में जाकर रैली को संबोधित करती हैं जहां जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के नेता रैली को संबोधित करते हैं। तो क्या हम इन्हें कॉपी कैट बोले? आपके पास और भी जिले हैं, जैसे आप देखें सिंगूर और नंदीग्राम, हमेशा से टीएमजी ने इस पर अपना सत्ते पर पूरा काबिज बना के रखा है। सिंगूर, हुगली और नंदीग्राम के कारण इतना ही नहीं, पूर्व मेदिनीपुर जिला में भी बंगाल की राजनीति शुरू से ही कायम रही है। इन दो जगह पे इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक दो मजबूत किले बना के रखे हैं। लेकिन सूबे में हुए पिछले दो विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर हम ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ममता दीदी इन दो जिलों के बदौलत नहीं बल्कि दक्षिण से राज करती आई हैं। कोलकाता के सटे दक्षिण 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस को दो दो बार भारी बहुमत पर जीत दिलाई है, क्योंकि ये 24 परगना ये वही जिला है जहां पे इनके भतीजे ममता बनर्जी के भतीजे, जी हां अभिषेक बनर्जी का एरिया लगता है। तो इस बार बहुत देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ ओवैसी धमकियों की बात करते हैं कि उनके नाम पर उनके फोन पर व्हाट्सएप पे धमकी दे रहा है बीजेपी, बीजेपी को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि बीजेपी उनको व्हाट्सएप पे धमकी दे रहा है। एक तरफ लोग व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से परेशान है कि प्राइवेसी खत्म हो रही है, दूसरी तरफ इनके प्राइवेसी तो अलग बात है, इनका एक धमकी वाला एक नया न्यूज सामने आ रहा है। उन्होंने बोला अलेक्जेंडर की बात बताई कि द ग्रेट अलेक्जेंडर, जिसने आधी दुनिया पे अपना परचम लहराया था, उसकी तरह जब वो भी नहीं बचा, वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। द अलेक्जेंडर की हिस्ट्री और इतिहास की बात की ओवैसी साहब ने, वहीं पे उन्होंने बोला कि वो भी खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। ओवैसी साहब कोई नई बात बता दो, या मैं यूं कहूं ये तो हमें पता ही नहीं था, इतनी बड़ी बात बता दी आपने और अब आपको बीजेपी धमकी देगी, आपको इतना बड़ा कौन हो गया जो आपको धमकी दे दे? साहब रिंकू शर्मा को जब कोई नहीं बचा सका तो आप तो आका हो। खैर दोस्तों मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि इस बात को लेकर आपको पता है सुमन पांडे के खून ज्यादा गर्म हो जाता है। फिलहाल हम बात करेंगे बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में अभी देखना बहुत ही दिलचस्प है कि जहां ममता दीदी खेलबो और जीतबो जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, जहां वो एक तरफ बता रही हैं कि बंगाल में से बंगाल ही जीतेगा, बंगाली ही रहेगा, कोई गुजराती नहीं आएगा, इस तरीके के स्टेटमेंट से चीजें और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। जहां ममता दीदी का एक तरफ से अटैक आता है तो दूसरी तरफ से उन्होंने एक और निशाना साधा है कि पहले मोदी ही दंगाबाज था, अब तो अमित शाह भी इसी तरीके की बातें करने लगा है। तो मोदी और अमित शाह अलग नहीं है ममता दीदी, दोनों एक ही हैं। लेकिन जहां पे फिल्मी पंचिंग लाइन चल रही है, गंगा जल से पवित्र किया जा रहा है, और वहीं पर बंगाल की जनता इस बार काफी कंफ्यूज नजर आ रही है। अभी भी जहां ओवैसी के आने से चीजें थोड़ी सी बट सी गई है, लेकिन आई एम श्योर बंगाल की जनता कहीं ना कहीं ये सोचकर तय कर चुकी होगी कि इस बार उनका इतिहास तो कैसा भी था वो देख चुके हैं, आने वाला भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित होगा। मेरे साथ बने रहिए, बहुत जल्द नए रिपोर्ट और लेटेस्ट अपडेटेड रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।